पैन कार्ड एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है जिसका पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। आजकल पैन कार्ड हर किसी के पास पाया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपने पैन कार्ड तो बनवा लिया लेकिन बाय चांस आपका पैन कार्ड खो जाता है तो उसका जो नंबर ढूंढ पाना है वह काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको उसका नंबर पता नहीं रहता है तो सबसे बड़ी समस्या यह खड़ी हो जाती है कि आप पैन कार्ड के नंबर किस प्रकार से प्राप्त करें। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपना पैन कार्ड का जो 10 डिजिट का नंबर है परमानेंट अकाउंट नंबर उसको कैसे प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों आपने हमारे वीडियोज देखे होंगे, मैं सारे वीडियोज ऐसे लेकर आता हूं जिसको कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सको। मेरे सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं आपको वही वीडियो लेकर आता हूं जो आप मोबाइल में कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो, क्योंकि कई कई ऐसे हैं जिनके पास कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन पाया जाता है, उनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा नहीं होती है। तो मेरे सारे वीडियोज़ आपको मोबाइल के लिए ही मिलेंगे। मोबाइल में आप किस प्रकार से वर्क कर सकते हो, मोबाइल से आप क्या क्या कर सकते हो, मोबाइल क्या काम आता है, तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि पैन कार्ड का आपको नंबर पता करने के लिए आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे आपको एक वर्ड टाइप करना है जिसका नाम है ईफिलिंग। ईफिलिंग टाइप करके आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और वहाँ पे आपको जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट जो आपको दिखेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, इस वाली वेबसाइट पर आपको आ जाना है। फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको कंटिन्यू टू होम पेज या फिर इसको यहाँ से कट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से इसको कट करते हो तो यह ई फिलिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से आपके जो भी इनकम टैक्स के जो भी काम है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो आपको इसको यहाँ से कट करके नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई नो योर 10AO, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपसे कुछ आपकी डिटेल्स मांगी जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अपनी जो डिडक्टर है वो आपको यहाँ पे चूज करना है, अपना स्टेट, नेम, मोबाइल नंबर। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें जो इंडिविजुअल HUF इंक्लूडिंग बिजनेस है ये हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से हमको अपना जो भी राज्य है, जो भी आपका राज्य है वह आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी पैन कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाता है, वह OTP आपको यहाँ डाल देना है और वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर वैलिडेट वाले पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पैन कार्ड का नाम आपका यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपका पैलेस जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट शो हो जाती है जिसमें आप अपना नाम और अपनी सिटी देख सकते हो। उस हिसाब से आपको अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा नाम हमें शो नहीं हो रहा है तो हम जो सेकेंड वाली लिस्ट है उस पर हम क्लिक कर देते हैं और उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा नाम है वो हमें यहाँ पे शो हो गया है। हमें नाम वाले जो ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होके आएगा जिसमें कि आपकी सारी डिटेल्स आपको शो होगी। यहाँ पे आपको अपना 10 नंबर मिलेगा। दोस्तों ध्यान रहे कि यह जो 10 नंबर है वो आपका पैन नंबर नहीं है, पैन नंबर आपको नीचे मिलेगा। इसको आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पैन, तो यह आपका पैन नंबर है। दोस्तों लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह है कि अगर आप पैन नंबर जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो
टेन नंबर है वो बना हुआ होना चाहिए। टेन नंबर किस प्रकार से बनाते हैं उसके लिए मैं आपको आगे वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको समझा दूँगा। तो अगर आप एक नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आई बटन में भी आपको वह वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि आप किस प्रकार से अपना खोया हुआ पैन कार्ड के नंबर को प्राप्त कर सकते हैं।